हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रिंस कुमार। हम लोगों ने झारखंड के प्राचीन इतिहास के बारे में देखा, उसके बाद फिर बाद के जो मौर्य शासक आए थे उनके बारे में पढ़ा। अब हम लोग स्थानीय शासकों का जो उदय हुआ था झारखंड में उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मुंडा शासकों के बारे में जानते हैं। तो मुंडा शासक के जो सबसे पुराने और पहले नेता थे वो रीता या रीसा को माना जाता है, रीता मुंडा या रीसा मुंडा। उन्होंने सुतिया पाहन को इस जगह के लिए चुना था, इस जगह के शासन के लिए, और फिर उन्होंने इसका नाम सुतिया नागखंड रखा था। तो ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है दोस्तों कि सुतिया पाहन ने क्या रखा था, तो सुतिया नागखंड के नाम से झारखंड को जाना जाता था। और सुतिया नागखंड करीबन ये पूरे झारखंड के क्षेत्र को कवर करता था। उसके बाद ये जो सुतिया नागखंड था, ये 7 गद और 21 परागनाओं में विभाजित था, जिसमें कि 7 गद लोहागढ़ जो कि लोहारदग्गा के नाम से जाना जाता है, हजारीगढ़ जो कि हजारीबाग, पालुनगढ़ जो कि पलामू, मानभूम केसलगढ़ और सूरजगढ़ जो कि सरगुजा के नाम से जाना जाता है। और 21 परागना थे ओम दादा, दोईसा, खुखरा, सुरगुजा, जासपुर, गंगपुर, पोरहत, गिरजा, बिरुहा, बोनाई, कोरिया, लचरा, बिरना, सोनपुर, बिलहदार, बेलसिंग, तमाड़, लोहारडी, खरसांग, उदयपुर और चंगमंकार। उसके बाद दोस्तों ये जो सुतिया नागखंड है, ये सुतिया पाहन ने पूरी तरह से झारखंड के क्षेत्रों को उनका रूल रहता था, वो इस जगह पर शासन करते थे। फिर दोस्तों देखते हैं मानभूम के बारे में, मान डायनेस्टी के बारे में। तो मान डायनेस्टी के बारे में, मान जो शासक थे उनका हजारीबाग और मानभूम के क्षेत्रों में इस जगह का स्थापित उन लोगों ने अपने शासन को किया था। और दूध पानी के शिलालेख जो कि हजारीबाग में पाए हैं वहाँ से हमें इस राजवंश के बारे में पता चलता है। उनके संदर्भ में इसी जगह से, इस इंस्क्रिप्शन से, इस शिलालेख से हमें पता चलता है। और बाद में फिर ये राजवंश कई छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गए थे। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। आगे फिर रक्सेल डायनेस्टी को देखते हैं। रक्सेल डायनेस्टी जो कि पलामू का शासक के द्वारा रूल किया जाता था, ये पलामू में रक्सेल डायनेस्टी का उदय हुआ था। रक्सेल जो कि थे वो लोग अपने आप को मानते थे कि वो लोग राजस्थान से यहाँ पर आए हैं और वो लोग अपने आप को राजपूत कहते थे। उन्होंने सरगुजा को अपने राजवंश में संलग्न कर लिया था और फिर उस जगह के और भी अलग कई जनजातियाँ थे पलामू में, जैसे कि खरवार, गोंड जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश का काफ़ी ज़्यादा जो सबसे बड़ा जनजाति है पूरे ऑल ओवर इंडिया में ट्राइबल के तौर पर देखा जाए तो वो गोंड है, और गोंड मेनली मध्य प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद इस जगह पे भी कुछ पलामू के क्षेत्रों में भी कुछ गोंड, कोरवास, पहाड़ियाज और किसान, ये जनजातियों का भी इस जगह पे रहना था। उसके बाद खरवास लोग ने अपने आप को इस जगह पर स्थापित किया और अपना प्रभुत्व इस जगह पर फैलाया। प्रताप धावाल जो कि इम्पोर्टेंट रूलर थे, महत्वपूर्ण रूलर थे खारवार के, प्रताप धावल, ये आपको याद रखना है। और फिर पलामू जो कि कंट्रोल में था रक्सेल के, वो करीबन 16वीं शताब्दी तक उन लोगों के नियंत्रण में था रक्सेल शासकों के। उसके बाद दोस्तों सिंह डायनेस्टी को देखते हैं जो कि सिंहभूम है। तो सिंह डायनेस्टी पे हमेशा से दो जनजातियों का जुड़ाव रहा है, वो लोग अपने आप को कहते हैं कि ये हमारे कारण और ये हमारे कारण। तो ये मेनली सिंह राजवंश जो थे उनके और हो राजवंश थे, हो जातियां जो थी उन दोनों का आपस में दावा है कि ये हमारे कारण है। तो सिंहभूम में जो सिंह लोग थे उनके कारण, उनको लगता था कि उनके राजवंश और उनके राजा के कारण इस जगह का नाम सिंहभूम पड़ा है। और हो जनजातियाँ जो थी उनके जो भगवान थे सिंह बोंगा दोस्तों ट्राइबल जनजातियों के जो जनजातियाँ हैं उनके मेन भगवान हैं, वो लोग उन्हीं को पूजा करते हैं, उन्हीं को मानते हैं। तो वो लोग को लगता था सिंह बोंगा के नाम से ही ये सिंह जो सिंहभूम नाम पड़ा है, ये सिंह बोंगा के नाम से ही पड़ा है।
तो पोरहट के जो शासक थे वो राजा थे, उनको लगता था कि सिंह डायनेस्टी जो है उनके नाम से ही, उनके जो ये है राजवंश उन्हीं के नाम से ही ये पड़ा है, और उनके जो वंशज हैं उनका ये मानना है कि वो हो जनजाति के यहाँ पर प्रवेश से पहले से ही वो इस जगह पर स्थापित हैं, और हो जनजातियों का यह मानना है कि उनके जो भगवान हैं उन्हीं के कारण सिंहभूमगा, उन्हीं के कारण इस जगह का नाम पड़ा है सिंहभूम। और फिर ये जो डायनेस्टी था, ये राजवंश था, ये वेस्टर्न इंडिया से उठ के यहाँ पर आया था, और उन्होंने इस जगह को करीबन 8वीं शताब्दी तक इस जगह पर वो लोग थे, इस जगह पर वो लोग कैप्चर किए हुए थे। और उनके दो शाखाएँ थी, सिंह डायनेस्टी की दो शाखाएँ थी मेनली। आप जो पहला ब्रांच था, जो पहले शाखा थी, वो काशीनाथ सिंह के द्वारा फाउंड किया गया था, वो काशीनाथ सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था, और दूसरी शाखा जो थी वो दर्प नारायण सिंह के द्वारा किया गया था, जो कि शासन उन्होंने प्राप्त किया था 1205 AD में। और कुछ रूलर आपको जिनका नाम याद रख लेना है सिंह डायनेस्टी में, वो काशीराम सिंह थे, जगन्नाथ सिंह और जगन्नाथ सिंह थे, ये दो बार लिखा गया है दोस्तों। उसके बाद फिर दर्प नारायण सिंह के मृत्यु के बाद युधिष्ठिर यहाँ के शासक बन गए, जिन्होंने 1262 AD से लेकर के ईसवी के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद 1261 से 1271, करीबन 9 सालों का शासन यहाँ पर रहा। और चौथे जो किंगडम जो राजा थे उनका नाम था अच्युत सिंह। तो ये चौथे शासक का नाम आपको याद रखना है, अच्युत सिंह। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और इस वीडियो को भी लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।